सो हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रम्मी हो ऐप के बारे में। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में परमानेंट अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इस ऐप में परमानेंट अकाउंट डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, कोई भी ऐप से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है बैक जाने के बाद में आपको सेटिंग्स ऐप को करना है ओपन। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ करना है स्क्रॉल और ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे करना है क्लिक। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और रम्मी हो ऐप पर करना है क्लिक। रम्मी हो ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर ही आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टोरेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। स्टोरेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो स्टोरेज आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो क्लियर डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डेटा कर लेना है क्लियर। डेटा क्लियर करने के बाद में आपको जाना है बैक। बैक जाने के बाद में ऊपर ही आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो अनइंस्टॉल पे करना है क्लिक। अनइंस्टॉल पे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, कैंसिल का और ओके का। तो ओके के ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। ओके के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अकाउंट जो है हो चुका है डिलीट। तो इसी तरीके टाइप से आप अपना परमानेंट अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।